जिला मुख्यालय पर मौजूद यह सभी लोग राजनीतिक दल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता हैं, जो कई मांगों को लेकर आज जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। इनकी मांग है कि देश भर में पिछड़े दलितों और मुस्लिमों पर जिस तरह लगातार झूठे मुकदमे लिख रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग कर विशेष समुदाय के लोगों की आए दिन हत्याएं की जा रही है, वो तत्काल रुकनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति से संज्ञान लेकर कार्यवाही की मांग भी उठाई है। आज यहाँ ज्ञापन देने का हमारा ये मकसद है, जो धर्म के नाम पर नफरत फैला रहा है उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, और मॉब लिंचिंग के जो लोगों को भीड़ इकट्ठा होकर मार दे रही है उसके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, जिससे किसी के साथ ऐसी अनहोनी घटना ना हो। जब से इस देश में मौजूदा सरकार चल रही है, ये घटनाएं दिन पे दिन बढ़ रही हैं, और जिन लोगों ने मुसलमान का वोट संविधान के नाम पर लिया, उन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया। संविधान की किताब को पकड़कर पूरे देश में मुसलमानों को वोट के लूट लिया। आज संविधान की धज्जियां सड़कों पर उड़ रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, बिल्डोजर चल रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन वो सेकुलर दल कोई भी मुसलमान दलित तो और पिछड़ों की आवाज़ नहीं उठा रहे। हमने इसके खिलाफ यहाँ पर ज्ञापन दिया है, और हम उम्मीद करते हैं राष्ट्रपति महोदय इस पर जल्दी से जल्दी कोई कठोर कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत का जो माहौल है वो किस तरीके से चल रहा है, दलित और मुसलमानों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ। और पार्टी ने पिछड़ों और दलित और आदिवासी और मुसलमानों के लिए, उनके जान और माल की सुरक्षा के लिए ये मैनिफेस्टो चालू जारी किया है कि आप हर जिले के अंदर उत्तर प्रदेश में जाएं और जिला अधिकारी को ज्ञापन दें राष्ट्रपति महोदय के नाम। वही काम MIM पार्टी जिला आगरा की टीम ने किया है। हमने ज्ञापन दिया है कि दलित, आदिवासी, सिख, ईसाई और मुसलमान और पिछड़ों के साथ जो धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है, उसे बंद करा जाए। हम ये चाहते हैं कि हर कीमत पर जो दबे कुचले लोग हैं उनके साथ न्याय संगत के कार्रवाई हो, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। देखिए, आज जो ज्ञापन दिया गया राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए, हमारा उद्देश्य ये है, भारत की राजनीति 2014 से जब से BJP के हाथ में आई है, हालात दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं, स्थिति खराब है। दलित मुस्लिमों पर इतना अत्याचार हो रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। सेकुलरिज्म जो पार्टियां हैं उनका कोई भी ऑब्जेक्शन सामने से नहीं हो रहा है। अगर हम ये भी चाहते हैं कि हमारा विपक्ष मजबूत हो जाए, हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई विपक्ष नहीं। हम ओवैसी साहब के आदेश अनुसार अपनी आवाज़ हम अपनी पार्टी के नेतृत्व में खुद उठाना चाहते हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंप करके हम चाहते हैं कि हमारे ज्ञापन का वो संज्ञान लें। संज्ञान लेने के बाद इस पर कठिन से कठिन कार्रवाई करने की कृपया करें। DG महाराजा न्यूज के लिए मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।